बेड़ों के बारीडीह क्षेत्र में किसान मेला सा उद्यान प्रदर्शनी 2019 का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में किसान आए और अपने अपने सामानों की प्रदर्शनी लगाई और नई नई तकनीकों की जानकारी ली। इस कार्यक्रम में जिले के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मांडर विधायक गंगोत्री कुजूर मौजूद रही। पेश है हमारे संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। वितरण का कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए पंचायत के माध्यम से की जाती है और 90% हमको पूरा कर देगा तो हम क्यों जाते हैं दूसरे की। पालक है, हरी सब्जियां जितनी है, हम हरी सब्जी के लिए बेड़ो जाना जाता है। यहाँ से दूसरे देशों में कार्गो प्लेन से यहाँ की सब्जियां बाहर जाती है, ऐसी है। तो वो भी आय दुगुनी करने का एक बहुत बड़ा हमारे पास माध्यम है, आय की वृद्धि करेंगे। तो ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे, यह काम सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। ये काम आप करेंगे या नहीं, हमारा झारखंड, हमारा बेड़ो सबसे अग्रणी भाग कैसे, अपने अग्रणी भूमिका कैसे निभाती है, इसमें सब सहयोगी बनकर कदम से कदम मिलाकर चले तो हम सही मायने में सबसे नंबर वन में बेड़ो आए। और इसमें कृषि विभाग के द्वारा एक किसान मेला सा प्रदर्शनी बीच आए हुए अतिथिगण आपके द्वारा उत्पादित फसलों का अवलोकन कर रहे हैं। निर्णायक मंडलियों के द्वारा उनका चयन बेड़ो प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार सोनी जी, विधायक प्रतिनिधि नकुल राम मेहता जी, विश्वप्री के अध्यक्ष राजीव रंजन जी और मंच में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और कृषि के विशेषज्ञ जो जिला से आए हैं, अधिकारी श्री असीम बालाजी का लेके अपने साथियों के साथ आएंगे। ये जो आयोजन हुआ अच्छा ही है ना? हाँ, बहुत अच्छा आयोजन है। हम तो कहेंगे कि साल में दो बार तीन बार होना चाहिए ऐसा आयोजन। ठीक है, और ये किसानों से संबंधित है? किसानों से संबंधित है और यहाँ पे हम लोग को बताया गया कि रासायनिक खेती को छोड़ा जाए और जैविक खेती अपनाया जाए और धीरे धीरे बेड़ो जैविक खेती में बहुत आगे होते जा रहा है अभी। और जैविक खेती में हम लोग अभी सब फसल भी उगा रहे हैं और प्लस अभी हम लोग रासायनिक बहुत कम कर दिए हैं। जो अन्न होता है उसी हम सेवन करते हैं और प्रत्येक लोग अपने कार्यों में ऊर्जा पाते हैं। और ऐसे किसान जो हमारे भारत के अंदर है, उनकी जो 70% हमारे गांव के लोग हैं, किसान क्षणिक खेती करते हैं और उनके लिए उत्पादन को कम करते हैं। आज के समय में हमारे बहुत जिन्होंने अपने कृषि सम्मान राशि 6,000 का है, 2,000 पहुँच चुका है। उन्होंने जैसे वादे किए और सभी किसानों के आते भी सीधे पहुँचना, बिचौलिए का कहीं भी किसी भी तरह आप प्रत्येक कार्यक्रम उनके कार्यक्रम में सभी जगह से बिचौलिए को खाते हैं और 2,000 रुपये पहुँचते हैं। अपने जो हमारे मुख्यमंत्री जी उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है प्रत्येक जो किसान 1 एकड़ से कम भूमि है या 1 एकड़ है उनकी भूमि 5,000 रुपये और 5 एकड़। हमारा कृषि का मेला है, किसानों को जागरूक करना है। दूसरा चीज़ जो अच्छे किसान हैं बढ़िया ढंग से कर रहे हैं खेती उनको पुरस्कृत करना है और अपना अपना एग्जिबिट्स जो ले आए हैं बढ़िया बढ़िया जैसे फसल है सब्जी है और इस क्षेत्रों में फसलों के द्वारा जो उन्नति किया गया
उसको अपना प्रदर्शन के लिए ले आए हैं, उसमें उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है हमें आय दुगना करना है, इसके लिए हमारा ब्यूरो का क्षेत्र किसान जो है सब्जी के मायने में बहुत आगे बढ़ रहा है, फसलों के मायने में जो जैसे CFLD है उसमें दलहन और तिलहन को भी बहुत बढ़ रहा है। ये एक नए जो टेक्निक आते रहेंगे उसमें आप आगे कुछ और करना चाहिएगा? हम किसानों से यही निवेदन करते हैं, हमारे देश में लगभग 77,000 करोड़ का जो तिलहन दूसरे देश से तेल पाम ऑयल खरीदते हैं, हम सभी किसानों को मिलकर के अपने क्षेत्र में तेल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे हमारा जो पैसा है बाहर न जाने पाए, वो पैसा हमारे